आज का ये संवाददाता सम्मेलन जिसमें पार्टी के महत्वपूर्ण हमारे नेता सब उपस्थित है, आज ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर मुख्य तौर पर यह संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। और यह बताना इसलिए आवश्यक है कि जिनको 17 महीने की नौकरी हमने दिया राजनीति में, उन्होंने क्या किया इस बिहार में। आप लोगों को लगता था कि क्यों गठबंधन टूट गया, क्यों अलग हुए, धीरे धीरे सब कारणों का खुलासा करेंगे। और हालात देखिए इनका क्या है। बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी लागू है, सर्वदलीय सहमति है, विधानमंडल के अंदर में संकल्प है। माननीय तेजस्वी यादव जी के पिता माननीय लालू प्रसाद जी गांधी मैदान में ह्यूमन चेन में शामिल होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जब हिसाब देखा गया जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक केवल 7 महीना में कुल 70 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया। लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होइएगा कि आरजेडी को जो हिस्सा जो चुनावी चंदे में शराब कंपनियों से हिस्सा मिला 46 करोड़ 64 लाख, कुल 63% इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा आता है शराब कंपनियों से। ये दस्तावेज हमारे पास है जो आप तमाम साथियों को उपस्थित कर दिया जाएगा। आरजेडी तो सत्ता में साझेदार थी, ये शराब कंपनियों से पैसा क्यों मिला, इस बात का जवाब बिहार की जनता चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि शराब कंपनियों से डील क्या था आपका। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है तो शराब कंपनियां आपको पैसे कैसे दे रही थी, क्यों दे रही थी, इस सवाल का जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। डील आपका था, यह सवाल लाजमी है। और 63% तो आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और यह अधिकतर बंगाल की कंपनी है, इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते थे। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आपने आरजेडी ने यह वचन दिया था शराब कंपनियों को कि हमको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में मदद करो, हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो बिहार में जो महिलाओं का घरेलू हिंसा जो घटा है, नई पीढ़ी को जो नशा मुक्त की ओर बिहार बढ़ रहा है, बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वैसे राज्य में शराब कंपनियों के साथ लुक्का छिप्पी का खेल खेल करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वह महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो उनको अट्टहास करते हैं, युवाओं को नशे की दुनिया में ढकेलना चाहते हैं, और कंपनी उनपरी तो जालसाजी इनका पुराना दत्त है, अब जानवे करते हैं वो तो बताने की जरूरत है नहीं। जिस कंपनी IFBHO इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल प्रॉफिट है 2023-24 में 13.87 करोड़, चंदा दे दिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में 35 करोड़, कुल कंपनी का जो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभांश है 13.87 करोड़, और लाभ हो या चुनावी चंदा देता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में 35 करोड़ रुपए। अभी हमको समझ में नहीं आता है कितना बड़ा जालसाजी कैसे हो। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह बताना चाहिए कि शराब कंपनियों से आपकी डील क्या हुई थी। अगर वो डील हुआ था कि बिहार में शराबबंदी खत्म करना है तो सर्वदलीय संकल्प क्यों लिया था,
सद आपने सदन के अंदर में संकल्प लिया, ह्यूमन चेन में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए और सरकार में शामिल होकर करके यही खेल खेल रहे थे, शराब कंपनियों से डील कर रहे थे। इसलिए तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता आपका हिसाब किताब अदा करेगी। ऐसे तो आधा दिन नर्वस आप कर ही चुके हैं, पूर्णिया में वोट मांग लेते हैं दाएं बाएं, इसलिए नर्वस तो आप कर चुके हैं, लेकिन इन शराब कंपनियों से क्या डील हुआ था ये बिहार की जनता को बताइए। सीबीआई ने डेटा जारी किया, अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है 74 करोड़, उसमें 63% शराब कंपनियों से, और हम 18 वर्ष से सत्ता में है बिहार में, तो 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक 14 करोड़ रुपया हमको मिलता है, 14 करोड़, इनको मिलता है 74 करोड़, उसमें 46 करोड़ इनको मिल जाता है शराब कंपनी से, और 22 मार्च 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि 12 अप्रैल 2019 से पहले का जो डेटा है वो सार्वजनिक किया जाए, एसबीआई को निर्देश दिया। यह भी न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी सही नहीं होगी क्योंकि न्यायपालिका इस मामले को देख रहा है, लेकिन आईना की तरह साफ है कि हम इतना दिन में 14 करोड़ किए ही 74 करोड़, धंधा है बिजनेस, शराब कंपनी से कहा तो डील हुआ था, कलकत्ता कहा जाते थे कलकत्ता, इसका भी खुलासा करिए, नहीं तो हम लोग तो सब खुलासा करेंगे, एक एक करके सब इनका खुलासा करेंगे। जी 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक, 22 मार्च 2024 को कि 12 अप्रैल 2019 से पहले का जो डेटा है उसको एसबीआई सार्वजनिक करे, ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो मेरी टिप्पणी सही है।